महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सोमवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों की सूची आने वाले 2 से 3 दिनों में जारी की जाएगी। नाना पटोले ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सांगली संसदीय क्षेत्र से विशाल पाटिल को मैदान में उतारने का फैसला किया है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की सूची अगले 2 से 3 दिनों में सामने आ जाएगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सोमवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों की सूची आने वाले 2 से 3 दिनों में जारी की जाएगी। नाना पटोले ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सांगली संसदीय क्षेत्र से विशाल पाटिल को मैदान में उतारने का फैसला किया है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की सूची अगले 2 से 3 दिनों में सामने आ जाएगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सोमवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों की सूची आने वाले 2 से 3 दिनों में जारी की जाएगी। नाना पटोले ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सांगली संसदीय क्षेत्र से विशाल पाटिल को मैदान में उतारने का फैसला किया है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की सूची अगले 2 से 3 दिनों में सामने आ जाएगी।